हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली नॉट डेली बट हम लाइव सेशंस करते हैं जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या पोजिशन है प्लानट की। तो एक और साइंस है जो कि हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर हम कहें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो कि हम जिससे कि हम लाइव सेशंस में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ, उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यही इवेंट होगा, पिन पॉइंट इवेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के दो या तीन मतलब होते हैं। तो वो पॉइंट आउट करने के लिए न्यूमरोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो न्यूमरोलॉजी की स्टडी हम करेंगे, हम वन बाय वन सारे नंबर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें इसके थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं आपके अंदर, अगर आपका ये डेस्टिनी नंबर है या बेसिक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लाइव सेशंस ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे या हर दो दिन में एक बार हम लोग लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें कि आप अपना कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा मैं उसको देने की कोशिश करूँगा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों चीज़ों के थ्रू। तो आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को स्टडी करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। इसमें हमें टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन की। अगर हम आपकी डेट देखें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, तो अगर आप देखेंगे डेट, मंथ, ईयर, अब मैं आपको बताता हूँ जो ये, अगर आप डेट का सम करेंगे, सपोज़ आपकी डेट है 21st, सपोज़ अभी हम नंबर वन को छोड़ देते हैं, अभी आपकी डेट है 21st, तो आपका जो बेसिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20, तो आपकी बेसिक नंबर हो जाएगा 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10, तो बेसिक नंबर हो जाएगा 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5, तो बेसिक नंबर रहेगा 5। और अगर आप इन सब की डेट डी सपोज़ कीजिए 20/11/1995, तो 2+0+1+1+1+9+1+9+9+5, इन सब चीज़ों को अगर आप सम करेंगे तो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। अब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होता क्या है? जनरली एक बहुत अच्छी चीज़ और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें आप मेरे पे बिलीव अगर नहीं आप क्या कहते हैं बिलीव ना करें, और सिंपल आप इस चीज़ को देखें कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और हो क्या रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट सारे वीडियोस जो मैं आगे बनाऊँगा वो देखने होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, हम एक नंबर को देख के जज नहीं कर सकते कि लाइफ इवेंट्स कैसे होंगे। तो बात करेंगे नंबर वन की। अगर आपका डेट और अगर आप इन सबको प्लस करें, डेट डी और डी, सपोज करिए आपका 10 है, तो 1 अब महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका जो न्यूमरोलॉजी नंबर होगा, जो बेसिक नंबर आपका आएगा, वो आएगा 1। बेसिक नंबर आप कहें कि 30 साल से पहले तक एक्टिवेट रहता है और 30 साल के बाद आपका डेस्टिनी नंबर काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो बेसिक नंबर अगर आपका 1 है और डेस्टिनी नंबर भी आपका 1 है, तो क्या होगा? अगर पहले हम बात करते हैं बेसिक नंबर 1 की, मल्टीपल 1 नहीं होने चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। सपोज़ कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1991, तो क्या हो रहा है, इसमें जो टोटल नंबर्स 3 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, वो होंगे 3। तो उसके अलग चीज़ें, उससे जो इवेंट्स होंगे वो अलग होंगे, और अगर आपका सिंपल एस्ट्रोलॉजी नंबर 1 है, बेसिक नंबर 1 है, तो उससे अलग काम होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। 1 नंबर होता है हमारे सन का। सन, अब आप देखिए जो नंबर 1 है उसमें सन की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सन होता है लीडर, तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग स्किल्स होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज डेस्टिनी नंबर। फोर्थ होगा वो एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी बन सकता है आगे चल के, उसके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेटर होंगे, उसका आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन का तरीका, टीम को मैनेज करने का तरीका, चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, एक किसी भी काम में लीड लेनी हो, तो ये नंबर 1 वाले लोग हमेशा आगे आते हैं। बेसिक नंबर 1 अगर आप देखेंगे, जिसका बेसिक नंबर 1 है, तो आप जो लोग भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये देखेंगे कि अगर आपका नंबर 1 है तो आपके अंदर ये सब ट्रेड्स होंगे। अब
सपोज़ कीजिए बेसिक नंबर वन है, बेसिक आपका 10 हो गया और मंथ में भी 1-1 आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए आप 11, सपोज़ कीजिए सॉरी 10/11/1991, तो इसमें क्या होगा 1, 1, 1 और 1, इसमें आपका 4 बार 1 आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर इसमें 4 बार 1 आ रहा है और डेस्टिनी नंबर 1 नहीं है तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। और हाँ एक चीज़ और, जो जिसका सिंपल नंबर 1 होता है, डेस्टिनी नंबर 1 होता है, उनको नेम और फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर ये मैंने जैसा कि आपको बताया अगर मल्टीपल 1 हो जाते हैं तो क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, नेम और फेम बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अथॉरिटी मिल नहीं पाती, लोग आपको मतलब जानेंगे नहीं या पूछेंगे नहीं, आप इस तरीके से कह सकते हैं मल्टीपल 1 में। लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन है, उस डेस्टिनी 1 नहीं होनी चाहिए। अगर डेस्टिनी 1 है और मल्टीपल 1 है, ओवर कॉन्फिडेंट, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लीडरशिप पर्सनैलिटी एक ज़बरदस्त आप लीडरशिप होगी, नेम फेम आपका बहुत ज़्यादा होगा। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर 2 के साथ बन जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप समझ लीजिए कि जब भी ये टाइम पीरियड आएगा जब आपकी 1 और 2 की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में एक बहुत सडन ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स होंगे। तो आगे चल के हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या ट्रेड्स होते हैं और बाकी चीज़ें भी हम जानेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेकंड जो नंबर 1 वाले व्यक्ति होते हैं, इनको जो अगर 1 ख़राब है, 1 ख़राब मतलब मल्टीपल 1 थे और डेस्टिनी 1 नहीं है, तो इनको जो डिज़ीज़ हो सकती है वो हो सकती है आईसाइट की, इनको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इनको हार्ट अटैक के मतलब प्रोननेस बढ़ जाती है इनके अंदर। इनके अंदर एक चीज़ और होगी, थकावट ज़्यादा रहेगी और टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी ऐसे लोगों को, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी कुछ कह देगा जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये दिक्कत रह सकती है इनको। आईसाइट की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताई, हड्डियों में बोन्स, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक होता है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और जॉइंट पेन हो सकता है इनको, ये प्रॉब्लम नंबर 1 वालों के साथ रह सकती है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में अगर 1 है, अगर आपका बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 बनता है, तो आप देखिए कि आपके साथ ये रिजल्ट्स हो रहे होंगे। अगर 1 ख़राब है तो भी आपको पता चल जाएगा, 1 अच्छा है तो भी अच्छा पता चल जाएगा। 1 ख़राब एक सिचुएशन में हो सकता है, अगर मल्टीपल 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है और डेस्टिनी 1 नहीं है तो ये 1 आपका ख़राब होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे सीरीज चलेगी जिसमें हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 टिल नंबर 9, उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लाइव सेशन जो हम करते हैं उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।